10 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति पीएम मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदैव अटल पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पुण्यतिथि पर सदैव अटल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने, और साथ में आपको बता दें कि उनके साथ तमाम अतिथि भी थे, और पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि सदैव अटल पहुंचकर नमन किया। इस दौरान एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, अनुप्रिया पटेल और हम के जीतन राम मांझी ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। 10 बजे की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज। इंडिया की मुंबई बैठक से पहले आज दिल्ली आएंगे नीतीश कुमार। दिल्ली के सीएम केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा में ट्रांसफर पोस्टिंग अध्यादेश पास होने के बाद नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने वाले हैं। मुलाकात को लेकर सियासी हलचल भी तेज हो गई है। वहीं खबर है कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से भी नीतीश कुमार मुलाकात कर सकते हैं। मुंबई में होने वाली बैठक से पहले ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। सीएम नीतीश कुमार पूर्व पीएम वाजपेयी को समाधि स्थल पर जाएंगे और पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। 10 बजे की तीसरी ब्रेकिंग न्यूज। उत्तराखंड के जोशीमठ में बड़ा हादसा हुआ है। हैलंग में चल रहे एक क्रशर प्लांट के पास मकान भरभराकर गिर गया। मलबे में 7 मजदूर दब गए हैं। 7 में से 3 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया। अभी भी कुछ मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका है। मौके पर आला अधिकारी और एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। हादसा बद्रीनाथ हाईवे पर पिपली कोटी और जोशीमठ के बीच हैलंग गांव के पास हुआ है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 72 घंटों से लगातार बारिश जारी है। बारिश, लैंडस्लाइड, पहाड़ खिसकने से जान माल का भारी नुकसान देखने को मिल रहा। अब तक 60 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि 26 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। मरने वालों में मंडी से 23, शिमला में 16, सोलन में 11, कांगड़ा हमीरपुर में 3-3, चंबा, कुल्लू और सिरमौर में 1-1 लोगों की मौत हुई है। राज्य में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड के कहर के मद्देनजर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। बाढ़ बारिश के चलते सूबे में 4 नेशनल हाईवे और 857 सड़कें बंद है। इसके अतिरिक्त 4285 बिजली ट्रांसफार्मर, 889 जल आपूर्ति योजनाएं भी बंद पड़ी हैं। 10 बजे के 5वीं ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली आपको बता दें कि दिल्ली में यमुना का जल स्तर खतरे के निशान के नीचे आ गया है। सुबह 7 बजे जल स्तर 205.22 मीटर दर्ज किया गया। उससे पहले सुबह 6 बजे यमुना का जल स्तर 205.35 मीटर था। पिछले 2 दिनों से हिमाचल में भारी बारिश के कारण दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने का लगा है। कुछ आपको बता दें कि कल देर रात ही यमुना का पानी खतरे के निशान को पार कर गया था। वहीं हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से हथनी कुंड से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। आज शाम एक बार फिर यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी हो सकती है। इस बार आपको बता दें कि यमुना का जलस्तर 209 मीटर को पार कर गया है और उफनते पानी में लाल किला, राजघाट समेत कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज है। पार्टी मुख्यालय में शाम 5 बजे यह बैठक होगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर बात होगी। पीएम सहित 15 मेंबर हिस्सा लेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी 15 सीईसी मेंबर्स के हिस्सा लेंगे। बैठक में कैंडिडेट्स तय करने और प्रचार रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि पार्टी का राज्य नेतृत्व केंद्र सरकार की वेलफेयर स्कीम्स को लोगों तक पहुंचने समेत जमीनी स्तर पर किए जा रहे कामों की जानकारी देगा। 10 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बीएसपी आज से बहुजन हिताय यात्रा निकालने वाली है। धौलपुर से 15 दिवसीय यात्रा जयपुर में खत्म होगी। यात्रा का नेतृत्व मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद करेंगे। बताया जा रहा है कि बीएसपी के प्रत्याशी राजस्थान के 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और बीजेपी का खेल बिगाड़ने वाली बीएसपी ने सबसे पहले 5 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। 2024 के चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी ने कमर कसी। यूपी के बांदा में आज से सपा का 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर। आज और कल बांदा में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव समेत कई बड़े नेता कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। चित्रकूट और बांदा जनपद के सपा कार्यकर्ताओं के साथ आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन होगा। आपको बता दें कि पंडित जे एन डिग्री कॉलेज मैदान में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र आज से शुरू होगा। सरकार और विपक्ष ने एक दूसरे को घेरने की तैयारी की है। दिल्ली सर्विस विधेयक को लेकर सदन में आप और बीजेपी में नोकझोंक की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी हाल की बाढ़ के कुप्रबंधन और मुख्यमंत्री केजरीवाल के आधिकारिक बंगले के पुनर्निर्माण को लेकर सरकार से सवाल पूछेगी। माना जा रहा है कि सत्र से दिल्ली की सियासत फिर से गर्मा सकती है। 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज। अहमदाबाद में बंदूकबाज को लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। किसी कहा सुनी के बाद एक शख्स ने
हवाई फायरिंग की थी, पर लोगों ने हवाई फायरिंग करने वाले को मौके से दबोच लिया। घटना अहमदाबाद के मणिनगर इलाके की है। किसी बात से नाराज शख्स ने लोगों को डराने के लिए हवा में बंदूक लहराई, पर लोग भड़क गए और शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है।